हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में जो है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में शेरशाह सूरी का प्रशासन। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने शेरशाह और पूरे सूर वंश को पढ़ा था, किस प्रकार से मुगल वंश के बीच में एक अफगान शासन की स्थापना होती है और वह अफगान शासक इतना दूरदर्शी अपना प्रभाव छोड़ता है कि बाद में चल करके जितने भी मुगल शासक आते हैं उसी को फॉलो करते हैं। खास करके शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को लेकर के कई प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे में आवश्यक है कि आज हम लोग इस प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि मुगल प्रशासन भी कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के प्रशासन से ही प्रेरित था। क्योंकि कहा जाता है कि एक प्रकार से शेरशाह सूरी का प्रशासन अकबर के मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग मूल रूप से शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप शेरशाह सूरी के उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो है वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो निश्चित रूप से उसे पहले देख लें ताकि इस वीडियो को आप आसानी से समझ सकें। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रशासन के दौरान क्या क्या पढ़ना है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कई बिंदु होते हैं जिनसे जोड़ करके प्रश्न बनते हैं। हालांकि प्रशासन पढ़ना कई बार बोरिंग भी लगता है और कई बार थोड़ा जटिल भी लगता है, लेकिन मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। प्रशासन के अंतर्गत मूल रूप से केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके न्याय एवं गुप्तचर व्यवस्था, उसके सैनिक व्यवस्था एवं शहर और इमारतों के निर्माण से जुड़े हुए प्रश्न और सड़क सरायों के निर्माण से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रशासनिक विभाजन के आधार पर पढ़ना शुरू करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है केंद्रीय प्रशासन। जैसे वर्तमान युग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से राजतंत्रात्मक व्यवस्था में केंद्र व्यवस्था के अंतर्गत ये केंद्रीय प्रशासन देखने को मिलता है और राज्य सरकार के समान ही प्रांतीय व्यवस्था देखने को मिलता है। लेकिन अंतर क्या है कि वर्तमान परिस्थितियाँ जो है वो लोकतंत्र की है और जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो राजतंत्र की है। आइए सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन को जानते हैं। केंद्रीय प्रशासन का जो हेड होता था और सबसे मूल केंद्र बिंदु होता था उसको हम लोग सुल्तान कहते थे। सुल्तान जो कि सल्तनत काल से ही प्रारंभ हो चुका था, तो शेरशाह सूरी के समय भी सुल्तान शब्द का प्रयोग होता है। यह शक्ति का केंद्र बिंदु होता था, यानी संपूर्ण व्यवस्था इसी सुल्तान के चारों ओर घूमती रहती थी। अर्थात पूरा का पूरा साम्राज्य जो था वो किस पर आधारित था? सुल्तान पे। इस व्यवस्था को हम लोग केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में जानते हैं। जब राजा बहुत शक्तिशाली होता है और अपने अनुसार ही प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता है तो उसे हम लोग केंद्रीय व्यवस्था के रूप में जानते हैं और केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में जानते हैं। जैसे आपने मौर्य काल पढ़ा होगा प्राचीन भारतीय इतिहास में, जहां प्रशासन पूरी तरह से राजा के इर्द गिर्द ही घूमता था, उसी प्रकार से शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था में भी प्रशासन का सबसे मेन बिंदु जो था वो सुल्तान यानी स्वयं राजा हुआ करता था। लेकिन फिर भी राजा की सहायता के लिए चार प्रकार के विभाग देखने को मिलते हैं जो अलग अलग मंत्री के अधीन थे। हालांकि मंत्री के अधीन जरूर थे, लेकिन मंत्री अपने आप में स्वतंत्र नहीं थे, वो राजा के अनुसार ही कार्य करते थे और मंत्रियों के मामले में भी राजा का दखल अधिक होता था। तो कौन से ऐसे चार विभाग थे जो शेरशाह सूरी के समय देखने को मिलते हैं? सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट है दीवाने वजारत। याद रखिएगा, कई बार इसके विभाग को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दीवाने वजारत यह लगान एवं राजस्व विभाग था। भूमि से होने वाले आय और जितने भी आय व्यय थे उन सभी का लेखा जोखा रखने के लिए जिस विभाग का निर्माण किया गया था उसे दीवान ए वजारत के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ विभाग हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है दीवाने आरिज। दीवाने अर्ज से बना हुआ है। दीवाने आरिज जो था वो सैन्य संगठन था, यानी सेना से संबंधित विभाग था। इसमें सेना की भर्ती से लेकर के उसके विभिन्न कार्यों की देखरेख की जाती थी और सेना चूंकि इस समय युद्ध के दम पर ही साम्राज्य प्राप्त होता था तो ऐसे में सेना के लिए विशेष व्यवस्था करना अनिवार्य होता था। यही कारण था कि दीवाने आरिज नामक एक विभाग था जो सैन्य से जुड़ा हुआ होता था। हालांकि राजा स्वयं पूरे सेना का सबसे बड़ा सेनापति हुआ करता था। तो दीवाने आरिज सैन्य संगठन। तीसरा था दीवाने रसालत।
दीवाने रसालत क्या था, तो ये विदेशी मामले थे जिसमें पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, कौन से पत्राचार करने हैं, किस प्रकार के संबंधों को आगे बढ़ाना है, इसके लिए विशेष रूप से इसका गठन किया जाता था। तो दीवाने रसालत जो विभाग किया गया था वो विदेशी मामलों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा था दीवाने इंसा, दीवाने इंसा जो था वो पत्र व्यवहार से संबंधित था, पत्राचार से संबंधित, एक जगह से दूसरे जगह पत्र व्यवहार, एक विभाग से दूसरे विभाग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पत्राचार करने के लिए एक विभाग का गठन किया गया था जिसे दीवाने इंसा कहा जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि दीवाने इंसा में जो राजा के आदेश होते थे उसे भी लिखा जाता था, तो एक प्रकार से लेखा विभाग के रूप में आप इसे जान सकते हैं। इसमें सुल्तान के आदेशों को लिखा जाता था और पत्र व्यवहार मूल रूप से किया जाता था। ये चार विभाग है जिसका विस्तृत वर्णन जो है मिलता है शेर शाह सूरी के समय में, लेकिन इसके अलावा भी दो विभाग हैं जो इस समय काम करते हुए दिखाई देते हैं। एक है दीवाने काजा, दीवाने काजा अर्थात काजी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था संचालित की जाती थी। हालांकि संपूर्ण शासन व्यवस्था का जो सबसे बड़ा न्यायालय का हेड होता था वो राजा खुद होता था, लेकिन फिर भी उसके नीचे काजी लोग न्याय व्यवस्था का काम करते थे और इसके लिए दीवाने काजा का गठन किया गया था जिसमें न्यायाधीश या न्याय से जुड़े हुए कार्य किए जाते थे। और एक था दीवाने बरीद जिसमें गुप्तचर विभाग के रूप में जानते हैं, और गुप्तचर जो थे वो अलग अलग सूचनाएं जो है वो राजा के पास या राजा के अधिकारियों के पास पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से दीवाने बरीद का जो संबंध है वो गुप्तचर विभाग से है। तो राजा स्वयं में अपने आप में संप्रभु होकर के शासन करता था, हालांकि शासन की सहायता के लिए कई विभाग बनाए गए थे। तो ये केंद्रीय स्तर के जो विभाग हैं और कुछ प्रमुख विभाग हैं उन्हें आप जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रांतीय शासन की तरफ। प्रांतीय शासन से तात्पर्य है कि एक बड़े से साम्राज्य को कई बार प्रांतों में बांटा जाता था। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रांत का मतलब होता था सूबा, और सूबा को कहा जाता था इकता। तो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। साम्राज्य अर्थात जितना बड़ा राज्य था, जो पूरा का पूरा क्षेत्र जो शेर शाह सूरी के नियंत्रण में था, उसे हम लोग साम्राज्य के रूप में जानते हैं। इस साम्राज्य को कई भागों में बांटा गया था जिसे प्रांत या सूबा या इकता कहा जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शेर शाह सूरी के समय में सूबा में नहीं बांट करके डायरेक्ट सरकारों में बांट दिया गया था, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि कुछ सूबे निश्चित रूप से बनाए गए थे जिन्हें प्रांत के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रांतों को सरकार के रूप में बांटा गया था। ये प्रश्न बीपीएससी के और यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि शेर शाह सूरी के समय और मुगलों के समय जिलों को क्या कहा जाता था, तो जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था। अर्थात सूबे को कई भागों में बांटा गया था और उसे क्या नाम दिया गया था, सरकार। सरकार का क्या तात्पर्य होता है वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो यह जिलों के समान हुआ करता था। तो सरकार के देखरेख के लिए दो प्रकार के प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए जाते थे सरकार स्तर पे। सरकार स्तर मतलब जिले स्तर पे दो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पहला अधिकारी जिसे आपको निश्चित रूप से याद रखना है, सिकदार ए सिकदारा। सिकदार ए सिकदारा जो होते थे वो सैनिक अधिकारी होते थे, जो सैनिक से जुड़े हुए, देखरेख से जुड़े हुए, सेना के अभियान से जुड़े हुए मामलों की देखरेख करते थे जिले स्तर पर, उसे कहा जाता था सिकदार ए सिकदारा। और दूसरा होता था मुंसिफ ए मुंसिफा। तो मुंसिफ ए मुंसिफा जो जिले स्तर पर यानी सरकार स्तर पर एक अधिकारी के रूप में काम करता था, उसका काम होता था न्याय व्यवस्था को देखना। अर्थात वो न्याय करता था और कई तरह के मामले जब उसके पास आते थे, फौजदारी मामले, दीवानी मामले, तो उसके न्याय से संबंधित कार्य को करता था मुंसिफ ए मुंसिफा। तो इस प्रकार से सरकार के स्तर पर दो अधिकारी मुख्य रूप से काम करते थे, सिकदार ए सिकदारा और मुंसिफ ए मुंसिफा। सरकारों को बांटा गया था परगना में, यानी सबसे पहले तो आप इसके क्रम को याद रख लीजिए। सबसे ऊपर था साम्राज्य, साम्राज्य के नीचे प्रांत या सूबा, प्रांतों के नीचे सरकार, सरकार के नीचे परगना, और परगना के नीचे जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे गांव कहते थे। आइए परगना के बारे में जानते हैं। परगना जो था वो एक तरह से आज के स्तर पर हम एक ब्लॉक के रूप में देख सकते हैं, जैसे एक ब्लॉक अंचल होता है उसी तरह से परगना का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे कई अधिकारी होते थे जिसमें एक सिकदार, अब जैसे यहाँ सिकदार सैनिक से जुड़ा हुआ काम करता था, यहाँ भी एक सिकदार होता था जो इससे छोटे पोस्ट पे होता था, लेकिन यहाँ पे वो सैनिक के रूप में काम करता था। ठीक है,
मतलब सैन्य से जुड़ा हुआ काम करता था। एक मुंसिफ होता था, जैसे यहाँ मुंसिफ ए मुंसिफा होता था न्याय से जुड़ा हुआ, यहाँ भी एक मुंसिफ होता था जो अपने ब्लॉक स्तर पर न्याय से जुड़े हुए काम को देखता था। इसके अलावा एक फौतदार होता था यहाँ पे, जो खजांची के रूप में यानी लेखा जोखा रखने वाले व्यक्ति के रूप में काम करता था। इसके अलावा दो क्लर्क होते थे जो पूरे डेटा को कलेक्ट करते थे और बाद में राजा के पास इससे जुड़े हुए आंकड़े भेजे जाते थे। तो इस प्रकार से परगना के कॉन्सेप्ट में ये कुछ प्रमुख अधिकारी थे जो इस स्तर पर शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। और सबसे जो छोटी इकाई थी प्रशासन की वो थी ग्राम या गांव। गांव जो सबसे छोटी इकाई थी, यहाँ पर कोई विशेष अधिकारी तो नियुक्त नहीं किए जाते थे, लेकिन गांव का जो मुखिया या पटवारी हुआ करता था वो शासन के प्रति उत्तरदायी होता था और वह जवाबदेह भी होता था। किसी भी प्रकार के गलत कार्यों के लिए उसे भी दंडित किया जाता था। तो प्रशासन की या शासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो गांव थी। तो उम्मीद करते हैं ये कि पूरा का पूरा ये प्रोसेस समझ में आया होगा। आप सबसे पहले इसी को एक चार्ट के रूप में समझ लीजिए कि सबसे जो बड़ा होता था उसको हम लोग साम्राज्य के रूप में देखते हैं। इसको बांटा गया था प्रांतों के रूप में, प्रांतों को बांटा गया था सरकार के रूप में, सरकार को बांटा गया था परगना के रूप में, और परगना को बांटा गया था गांव के रूप में। और हर स्तर पे, जैसे साम्राज्य के स्तर पे राजा खुद शासन संचालित करता था और उसकी सहायता के लिए मंत्री होते थे, जबकि प्रांतीय स्तर पे कोई विशेष अधिकारी देखने को नहीं मिलते हैं। सरकार के स्तर पे दो प्रमुख अधिकारी थे जो शासन में सहायता करते थे। परगना के स्तर पर ये कुछ प्रमुख अधिकारी आपको देखने को मिल रहे हैं, और सबसे जो छोटी इकाई होती थी उसे हम लोग ग्राम कहते थे। तो आपने अभी केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को पढ़ा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के संबंध में, कि चूंकि शेर शाह के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कहा जाता है कि उसने हर क्षेत्र में सुधार किया था, तो क्या उसने सारी चीज़ें नई लाई थी? जी नहीं, जो सल्तनत काल के दौरान चल रही प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो बाद में आकर के लोदियों के समय धराशायी हो जाता है और मुगलों के द्वारा स्थापना के शुरुआती काल में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, इस गैप को भर दिया था शेर शाह सूरी ने सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके। यही कारण है कि शेर शाह सूरी को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है, और प्रशासनिक सुधारों के लिए ही शेर शाह सूरी को विशेष रूप से इतिहास में याद किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसने कौन से सुधार किए थे। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो आय का प्रमुख साधन अभी भी भूमि कर, जिसे लगान कहा जाता है, वो था। लेकिन भूमि कर के अलावा ही कई अन्य स्रोत भी थे जिनसे आय प्राप्त होती थी, जैसे व्यापार कर, टकसाल, युद्ध में लूट का भाग, जजिया कर और उपहार आदि ऐसे कर थे जिनके माध्यम से राजा को आय की प्राप्ति होती थी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा अगर किसी चीज़ की थी तो भूमि से मिलने वाले राजस्व कर की थी, जो आय के रूप में, अनाज के रूप में या सिक्कों के रूप में, दोनों ही रूप में लिए जाते थे। यहाँ राजा बहुत ही बुद्धिमता का परिचय देते थे। जो अनाज जल्दी खराब होने वाले होते थे उनके बदले में वो सिक्कों के मात्रा के रूप में जो है टैक्स वसूला करते थे, और जो अनाज लंबे समय तक रखे जा सकते थे उसको अनाज के रूप में जो है टैक्स के रूप में वसूलते थे। टैक्स वसूलने के लिए लगान की दर तय की गई थी, और लगान की दर जो भू राजस्व की थी संभवतः 1/3 लिया जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1/2 भी लिया जाता था, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है कि टैक्स जो है वो 1/3 लिया जाता था। किसानों को पट्टे दिए जाते थे। शेर शाह सूरी के समय में एक नई व्यवस्था आई थी जिसमें किसानों को पट्टे पे भूमि दी जाती थी, और बदले में उनसे एक कबूलनामा लिया जाता था जिसे कबूलियत पत्र कहा जाता है। इसके तहत उनसे कबूल करवाया जाता था कि वो समय पर जो है लगान चुकाएंगे। तो इस प्रकार से सरकारी भूमि किसानों को दी जाती थी और बदले में उनसे खेती कराई जाती थी, और उनसे ऋण के रूप में यानी टैक्स के रूप में जो है लगान लिया भी जाता था। तो इस प्रकार से पट्टे देना और पट्टे के बदले में वो टैक्स देंगे, इसके लिए कबूलियत पत्र पर साइन करवाना, एक नई प्रथा की शुरुआत जो है वो शेर शाह सूरी के देखने समय में देखने को मिलती है।
इसके अलावा इस समय भूमि की माप कराई जाती थी और माप करा करके दिया जाता था ताकि उचित ऋण उचित लगान जो है वो लिया जा सके। इस क्रम में माप के लिए दो ही पद्धति देखने को मिलती है, एक सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था और दूसरा सन ए डंडी का प्रयोग किया जाता था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सिकंदरी गज या सन ए डंडी का प्रयोग किया जाता था। इसके आकार के बारे में बताया जाता था कि ये सन ए डंडी जो था वो 32 अंगुल का या 32 इंच का था, सॉरी 31 अंगुल का या 32 इंच का था। तो इस तरह से यहां से एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि सिकंदरी गज जो था वो कितने इंच का था। तो 32 इंच का एक डंडा होता था, उससे माप करा करके यह भूमि की साइज माप ली जाती थी और उसके आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। तो इस प्रकार से आप ये कृषि से संबंधित व्यवस्था को आप ध्यान में रख सकते हैं जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शेरशाह सूरी के समय में देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से सिक्कों के संबंध में कुछ नए चीज़ें शुरू की गई थी शेरशाह सूरी के समय में। उसने घिसे पीटे जितने भी पुराने टाइप के सिक्के थे सबको साइड कर दिया और उसके बदले में नए सिक्कों का प्रचलन शुरू करवाया था। तो पुराने सिक्कों की जगह नए सिक्कों में सबसे प्रमुख है चांदी का रुपया। ये प्रश्न कितना बार आया है कि रुपये का प्रयोग जो है वो किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया है। और कब करवाया था, तो इसका जो शासनकाल था 40 से लेकर के 45, इसी बीच में उसने जो है यह प्रयोग किया था। ये चांदी का जो रुपये होता था उसका वजन होता था 180 ग्रेन। 180 ग्रेन के सिक्के को ही एक रुपये के रूप में उस समय स्वीकार किया गया था। इसके अलावा उसने एक तांबे के दाम नामक सिक्के का भी प्रचलन करवाया जो 380 ग्रेन तांबे का बना हुआ होता था और ये दोनों ही सिक्के चलवाए। ये सिक्के टकसालों में ढाले जाते थे और टकसालों की संख्या बताई जाती है कि इसके समय 23 थी। तो यहाँ से सिक्कों से जुड़े हुए ये दो तीन प्रश्न हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं, ये प्रश्न के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आते हैं शेरशाह सूरी के न्याय एवं गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में। न्याय की बात करें तो शेरशाह स्वयं जो है यानी सुल्तान स्वयं जो है सबसे बड़ा न्यायाधीश कहलाता था। पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन था, तो सुल्तान खुद था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि भी धारण की थी जिसका तात्पर्य था कि वह न्याय व्यवस्था को लेकर के काफ़ी सक्रिय था और उसके समय में न्याय के विषय में कहा जाता है कि काफ़ी व्यवस्थित और सही न्याय की व्यवस्था जो है उसने स्थापित की थी। न्यायप्रिय वह शासक था लेकिन दंड विधान काफ़ी कठोर रखे गए थे, जैसे मांस काट लेना, हाथ के बदले हाथ और इस तरह की कई ऐसे कठोर दंड की व्यवस्था जो है उस समय किया गया था ताकि न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा सुल्तान के अलावा कई अन्य न्याय अधिकारी भी होते थे जैसे मुंसिफ ए मुंसिफा। हम लोगों ने अभी देखा था कि मुंसिफ ए मुंसिफा जो सरकार के स्तर पे होता था वो मुंसिफ ए मुंसिफा किस काम के लिए होता था, न्याय। तो यही हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि मुंसिफ ए मुंसिफा जो था वो न्याय से संबंधित कार्य को करता था। इसके अलावा काजी जो होता था वो दीवानी मामलों में वह भी न्याय का एक अंग होता था और न्याय का कार्य करता था। हम लोगों ने यहाँ देखा था दीवाने काजा जिसमें न्यायाधीश के रूप में काजी के द्वारा काम किया जाता था। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न बनता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो गुप्तचर की बात है ये मूल रूप से सूचना एकत्रित करने की दृष्टि से रखा गया था और उनको नियुक्त किया गया था। रीज़न ये था कि प्रशासन व्यवस्था तभी बहुत मजबूत हो सकता है जब उसकी गुप्तचर प्रणाली बहुत ही सक्रिय हो। कहाँ क्या विरोध होने वाले हैं, कहाँ क्या होने वाला है, इसके संबंध में पहले से ही उसको जानकारी राजा को मिल जाए। ऐसे में उसने क्या किया था कि गुप्तचर व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाया था ताकि जो है न्याय सही व्यवस्थित ढंग से किया जा सके और प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। इसलिए गुप्तचर व्यवस्था को काफी संतुलित और काफी व्यवस्थित करवाया गया था। आते हैं सैनिक व्यवस्था की ओर। सैनिक व्यवस्था की बात करें तो घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना, ये चार प्रमुख सेना के अंग थे शेरशाह सूरी के समय में। आपने देखा भी होगा कि शेरशाह सूरी ने कई ऐसे युद्ध लड़े जो तोप के वजह से उसने जीते थे। तो तोपखाना उसके सैनिक व्यवस्था का एक प्रमुख अंग था। इसके अलावा घुड़सवार जो थे वो सबसे अधिक संख्या में थे और अफगान घुड़सवार काफ़ी योग्य थे और उनके दम पर उसने कई जो है किलों को जीता था और कई युद्ध उसने जो है इन घुड़सवारों की सहायता से ही जीते थे। इसके अलावा उसने सैनिक सुधारों के तहत सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। अब ये नगद वेतन के संबंध में आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने ही सबसे पहली बार नगद वेतन देने की सिलसिला जो है उसने शुरू किया था।
इसके अलावा उसने घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को फिर से प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो अलाउद्दीन खिलजी की जो परंपराएं थी, सेना से संबंधित जो सुधार थे, उसको पुनः जो है उसने लागू कर दिया। यही कारण है कि कई इतिहासकार ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुनर्जीवित कर दिया था। तो सैनिकों के मामले में ये कई सुधार जो है वो किए गए थे और इसके लिए एक विशेष रूप से विभाग भी बनाया गया था, दीवाने आरिज, जिसमें सेना की नियुक्ति और सेना के पदोन्नति और सेना के घोड़ों के रखरखाव और अन्य विषयों पर जो है चर्चाएं की जाती थी। और सुल्तान स्वयं जो है इसका निरीक्षण करता था और इसकी देखभाल करता था ताकि सैन्य व्यवस्था को मजबूत रखा जा सके, क्योंकि इस राजतंत्र के युग में यह आवश्यक था कि सेना के दम पे ही युद्ध जीते जाते थे और सेना के दम पे ही साम्राज्य स्थापित किए जाते थे। तो इसलिए सेना के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया था। आइए शहर और इमारतों को लेकर के देखते हैं। तो इसके समय में कुछ ऐसे निर्माण कार्य हुए थे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर एक रोहतासगढ़ का निर्माण किया गया था, जो एक दुर्ग था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। इसके अलावा उसने कन्नौज नगर को जो उजाड़ दिया था, उसकी जगह पर एक शेरसूर जगत नामक जो है उसने नगर बनवाया था, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, पाटलिपुत्र के पास ही उसने क्या किया था, एक पटना नामक नगर की स्थापना की थी, और इसके संबंध में भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण रचना या कलात्मक दृष्टि से बहुत ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है सासाराम से। सासाराम के झील के बीच एक स्वयं का उसने मकबरा बनवाया था, जो अष्टभुजीय मकबरा था, जो आज भी पानी के बीच में स्थित है और अपने कला दृष्टि के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने अपना मकबरा स्वयं ही बनवाया था। तो ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। दूसरा, वो किसने बनवाया था? तो उसने स्वयं बनवाया था। और ये मकबरा कलात्मक दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किला एक कुन्हा जो है ये दिल्ली में है, और ये एक मस्जिद है, इसका निर्माण भी उसने स्वयं ही करवाया था। तो ये चार पांच आपको याद रखने हैं जो प्रमुख इमारतें हैं जिसका निर्माण उसने स्वयं करवाया था। इसके अलावा उसने सामाजिक क्षेत्र में भी कई कार्य किए थे, जिसमें सड़क और सराय का निर्माण जो है वो महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। उसने अपने समय के जितने भी महत्वपूर्ण सड़कें थी, उसके मरम्मत का कार्य उसने करवाया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीटी रोड। वर्तमान में NH1 और NH2 को मिला करके बनाया गया है। वो जीटी रोड की मरम्मत जो है उसने करवाई थी, जो कि बंगाल से लेकर के पाकिस्तान क्षेत्र तक जाती थी और एक लंबा सड़क था। और इस सड़क का मरम्मत इसलिए कराया गया था ताकि व्यापार व्यवस्था, सेना के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए उसने सड़कों की मरम्मत करवाई, सड़कों पर यात्रियों को सुविधा हो इसलिए हर 200 को दो कोस जो दूरी होती थी उस पर सराय यानी लोगों के ठहरने का बंदोबस्त किया जाता था। ठहरने, खाने पीने, रहने के बंदोबस्त किए गए थे, तो सरायों का निर्माण भी उसने कराया था। लगभग माना जाता है कि 1700 सरायों का निर्माण जो है उसने अपने समय में करवाया था, जहाँ पर व्यापारी और अलग अलग लोग जो जाने के यात्रा करते थे वो रुक सकते थे। तो इस प्रकार से एक लोकप्रिय शासक के रूप में भी जाना जाता है शेरशाह सूरी को। इस सरायों के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ से डाक व्यवस्था में भी काफ़ी मजबूती मिली थी, क्योंकि डाक में घोड़ों की नियुक्ति की गई थी और घोड़ों के घुड़सवारों की नियुक्ति की गई थी, जो स्पीड पोस्ट की तरह किसी भी एक सूचना को लेकर के बहुत तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए वो जो है एक सूचना को दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। तो यहीं से शुरू हो गई थी डाक व्यवस्था की, जो बाद में चल करके अंग्रेजों के टाइम में और व्यवस्थित हो पाता है। तो जीटी रोड के मरम्मत की व्यवस्था हो, या सरायों के निर्माण की व्यवस्था हो, या डाक प्रथा के प्रचलन की व्यवस्था हो, ये प्रमुख रूप से शेरशाह सूरी के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि शेरशाह सूरी के विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय, प्रांतीय, अर्थव्यवस्था, न्याय, गुप्तचर, सैनिक और शहर इमारतों के साथ साथ उसके सिक्के के निर्माण, उसके सड़क के निर्माण से जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इसको पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा और यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं उसे भी ध्यान रखेंगे। आने वाले ऑब्जेक्टिव वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे निश्चित रूप से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।